वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कोचिंग में अगर आप फीस पे कर देते हैं तो आप उसका रिफंड कैसे लेते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, जैसे जो जेई मेंस की एडवांस की तैयारी कराती है, मेडिकल कोचिंग की तैयारी कराती है, जिसमें क्या होता है कि आपसे लमसम अमाउंट पे करवा लिया जाता है, जिसमें साल भर का अमाउंट होता है या सपोज कि 2 साल का अमाउंट होता है, जैसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए कुछ होता है। तो इसके बाद क्या होता है, जब बच्चा ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उसको लगता है कि मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो जो कोचिंग वालों से बोलते हैं कि हमें रिफंड दीजिए, तो कोचिंग वाले मना कर देते हैं क्योंकि उनके फॉर्म में लिखा होता है कि फीस नॉन रिफंडेबल, फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं कि फीस नॉन रिफंडेबल होती लिखा रहता है, हर एक फॉर्म में लिखा रहता है, और उस टाइम पे क्या होता है कि फिर बच्चा ये सोच के फिर फीस रिफंड, ये सोचता है कि फीस रिफंड नहीं हो पाएगी, या तो मजबूरी में कोचिंग करता है या फिर वो पैसे आप भूल जाओ, ये सिस्टम होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या सिस्टम, आप अगर आपको रिफंड चाहिए तो आप किस तरीके से लेंगे। क्या होता है कि जब ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो एक केस का मैं आपको बताता हूँ। एक रेपुटेड कोचिंग, बहुत बड़ी कोचिंग दिल्ली की, यहाँ पे यही केस था कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते थे लोग, तो वहां पे बच्चे ने फॉर्म भरा और 1.5 लाख के समथिंग फीस पे की, तो उसको 1 या 2 वीक के बाद उसने उस कोचिंग छोड़ना चाहा, तो रिफंड के लिए उसके फादर ने कोचिंग में कहा, तो कोचिंग वालों ने साफ मना कर दिया। तो उसके स्टूडेंट के फादर ने कोर्ट में फाइल किया कि हमें ये रिफंड चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि कोचिंग जो है उसको रिफंड करना है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो होता है आपका, जब वो फॉर्म में साइन कर, उसके पास फॉर्म में साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप उसमें अगर फीस नॉन रिफंडेबल लिखें या कुछ भी लिखें, बच्चे को साइन करना ही पड़ता है क्योंकि उसको कोचिंग करनी है, तो ये इस मैटर में ये चीज नहीं होती है। तो आप ऐसा करें, जितने ही आपने 1 मंथ की फीस आप कट करके बच्चे को बाकी का पैसा रिफंड करें। तो इसके बाद कोचिंग को ये ऑर्डर गया, लेकिन कोचिंग वालों ने क्या करा, एक बहुत बड़ी लॉ फर्म को हायर करके उसने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। तो हाई कोर्ट में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर हाई कोर्ट ने भी दिया कि वो हाई कोर्ट से बिल्कुल सहमत थे। उन्होंने भी यही कहा कि जो बच्चा होता है उसके पास एडमिशन फॉर्म में सिग्नेचर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो फीस नॉन रिफंडेबल लिखो, या मतलब उससे कुछ नहीं हो, और बच्चा जो स्टूडेंट जो होता है वो आपके कस्टमर नहीं है कि आपने एक बार सामान सेल आउट कर दिया तो आप उसको वापस नहीं करेंगे, तो आपने पढ़ाया ही नहीं है तो आप उसका पैसा कैसे ले सकते हो। आपने जितना पढ़ाया उतना पैसा कट कर लीजिए और बाकी का पैसा बच्चे को रिफंड कीजिएगा। ऐसा कई बार हो चुका है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, कोई आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं बड़ी कोचिंग, आपको लमसम अमाउंट आपसे पे करवा लिया जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि वो आपको आगे कोचिंग नहीं करनी होती है, तो आप उसको फिर रिफंड के लिए आप कोचिंग वालों से बोल सकते हैं, और अगर कोचिंग वाले उसको मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं कि हम नहीं पैसा बैक कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्म में कि फीस इज नॉन रिफंडेबल, जब ऐसा लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल बिना टेंशन बिना डरे हुए आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट आपके साथ ही है, लॉ आपके साथ है, क्योंकि वो लमसम अमाउंट लेते हैं, उन्होंने पढ़ाया है ही नहीं, तो आपसे वो फीस कैसे ले सकते हो उतने टाइम की। तो उन्होंने जितना पढ़ाया, जैसे उन्होंने 1 महीने पढ़ाया तो 1 महीने का पैसा कट कर लेंगे और बाकी पैसा आपको वापस करेंगे, ये लॉज भी कहते हैं, और आपका कोर्ट भी आपका बिल्कुल साथ देगा। तो फाइनल मेरा यही सजेशन रहेगा, जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप बिना डरे आप कोर्ट में केस फाइल करें, आपका जीत आपकी होगी, कोर्ट का जो फैसला होगा वो स्टूडेंट के साथ ही जाएगा। सो गाइस, होपली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता चल सके, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता तो वो बेचारे पैसा ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1-2 लाख रुपए कम रकम नहीं होती जो किसी भी इंस्टीट्यूशन पर ऐसे ही छोड़ दी जाए, तो आपका अधिकार है, जागो ग्राहक जागो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।